माता जी के चरणों में त्रिकाल वंदामी वंदामी वंदामी। मैं मनीष कुमार जैन बड़वानी मानव सिद्ध क्षेत्र से, मैं वर्तमान में पावन दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र ऊन का ट्रस्टी और दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र बावन गजा का मीडिया प्रभारी हूँ। माता जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि जो सामाजिक कार्यक्रम में जो समाज के लोग बोलियाँ लेते हैं लेकिन साधु संतों के सामने लेते हैं और साधु संतों के जाने के बाद में वह राशि देने से मुकर जाते हैं, उनके लिए समाज ने क्या करना चाहिए और आगम अनुसार उन पर किस प्रकार का पाप का दोष लगता है? वंदे माता जी। मनीष कुमार जी, एक क्वेश्चन आपका ही नहीं है, जहाँ पर जैन समाज है उन सभी का ये क्वेश्चन है, आखिर हमें क्या करना चाहिए और उनको किसका पाप लगेगा। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी हुए, उन्होंने ऋण सार ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने लिखा जीर्णोद्धार पदिठा जीण पूया तिथ्य बंदणम बशेष धड़म जो भुंजदि सो भुंजदि जीण दठम नरय गति दुखम। अर्थात जो व्यक्ति जीर्णोद्धार का, प्रतिष्ठा का, जिन पूजा का, तीर्थ वंदना के अवशिष्ट धन को क्या भुंजदी अर्थात भोगता है, यूज करता है, वह नरक गति के दुखों को भोगता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने बोली ली थी वह उसका दान हो चुका था, मतलब कहना चाहिए वह एक तरह से निर्माल हो चुका था। और मैं यही कहूँगी उसके लिए निर्माल सेवन करने का दोष लगेगा और उसके लिए इस तरह से कार्य नहीं करना चाहिए। और आप सबका कर्तव्य है कि जैसे ही पुण्य वासना होता है उसी टाइम पर सारी जितनी भी बोलियाँ लगी हैं उनके पैसा जमा करवा लेना चाहिए, तो आपके हित में भी होगा और देने वालों के हित में भी होगा। मैं कह सकती हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को जो भी दान दे रहे हैं या जो भी बोलियाँ ले रहे हैं उसका उनके लिए पूरा पुण्य भी मिलेगा। यदि वो नहीं देते हैं और बोली लेते हैं तो आचार्य महाराज ने कह दिया वह नरक गति के पात्र हो